आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे इतिहास के बारे में। आज हमारे इतिहास में क्या हुआ है, आज किस महान पुरुष का जन्मदिन है, आज किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है, आज कौन सा दिवस है और आज हमारे इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई थी वो कौन कौन सी घटित हुई थी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, आज किस महान पुरुष का जन्मदिन है। आज मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन है, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। आज श्रीप्रकाश जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1890 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 23 जून 1971 को हुई थी। श्री प्रकाश भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। आज शकील बदायूनी जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1916 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 20 अप्रैल 1970 को हुई थी। शकील बदायूनी फेमस शायर और गीतकार थे। आज शशिकला जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1933 को हुआ था। शशिकला हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आज जयदेव जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1919 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 6 जनवरी 1987 को हुई थी। जयदेव भारतीय संगीतकार थे। आज एल्फ्रेड डीकिन का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1856 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1919 को हुई थी। एल्फ्रेड डीकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। आज रॉबर्ट समनर जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1922 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2016 को हुई थी। रॉबर्ट समनर अमेरिकी इंजिलवादी और लेखक थे। अब हम बात करते हैं, आज यशवंत विठोबा चित्ताल जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1928 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 22 मार्च 2014 को हुई थी। यशवंत विठोबा चित्ताल कन्नड़ कथा लेखक थे। आज पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1936 को हुआ था। पंडित छन्नूलाल मिश्र ख्याल ठुमरी भजन दादरा कजरी और चेती के गायक थे। आज उत्पल कुमार बसु जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1939 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उत्पल कुमार बसु बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। आज मनमोहन वारिस जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1967 को हुआ था। मनमोहन वारिस इंडियन पंजाबी फोक और पॉप सिंगर हैं। आज कोइची तनक जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1959 को हुआ था। कोइची तनक एक जापानी अभियंता हैं। आज फैजल खान जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1966 को हुआ था। फैजल खान फिल्म एक्टर हैं। आज आंद्रेस गिमेनो जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 3 अगस्त 1937 को हुआ था। आंद्रेस गिमेनो टेनिस खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के दिन किस महान पुरुष की मृत्यु हुई थी। आज स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 8 मई 1916 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अगस्त 1993 को हुई थी। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती भारत के आध्यात्मिक चिंतक थे। आज चेप्पुदिरा मुथाना पूनाचा जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 16 जून 1910 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अगस्त 1990 को हुई थी। सीएम पूनाचा भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आज रिचर्ड आर्कराइट जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1732 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अगस्त 1792 को हुई थी। रिचर्ड आर्कराइट एक खोजकर्ता और उद्योगपति थे। आज मौलवी खुदा बख्श खान जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 2 अगस्त 1842 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अगस्त 1908 को हुई थी। मौलवी खुदा बख्श खान पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक थे। आज कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ जी की मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 4 जून 1884 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अगस्त
1940 को हुई थी। कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ 1902 से लेकर 1940 में अपनी मृत्यु तक राजसी शहर मैसूर के सत्तारूढ़ महाराजा थे। आज प्रेम कृष्णा खन्ना का मृत्यु हुई थी, जिनका जन्म 2 जनवरी 1894 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 3 अगस्त 1993 को हुई थी। प्रेम कृष्ण खन्ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। अब हम बात करते हैं आज हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी इसके बारे में हम बात करते हैं। 1347 अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत 1317 से 1518 तक की स्थापना की। 2005 महमूद अहमदी नेजाद 3 अगस्त 2005 से 3 अगस्त 2013 तक इराक के राष्ट्रपति रहे। 2016 पुष्प कमल दहाल 3 अगस्त 2016 को वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रमुख घटनाएं, आज के हमारे जन्मदिन और आज हमारे इतिहास में जिन महान पुरुषों की मृत्यु हुई थी उनकी तारीख। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।